Yes, all of you are getting the voice. Actually, network issue आ गया था, so I was disconnected. Okay, very good. चलो सब लोग आ गए. किस किस की अटेंडेंस रह गई जल्दी बता दो. ओके, शैल वी स्टार्ट. अच्छा, पहले मेरे को आपसे कुछ पूछना था. निक्की हैज ऑल्सो ज्वाइन. यस, चलो होमवर्क से रिलेटेड मैं कुछ पूछ रहा था. होमवर्क क्यों नहीं कर रहे आप लोग, ये बताओ पहले क्या प्रॉब्लम आ रही है. लेट मी नो व्हाई ऑल ऑफ यू आर नॉट डूइंग द होमवर्क. यस, होमवर्क क्यों नहीं करते बेटा. यस, बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस. नोबडी इज सेइंग. यस सर, योर वॉइस इज कमिंग. सो मेरे को बताओ तो सही, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे थे. कल विसर्जन था इसलिए नहीं किया, या फिर क्या प्रॉब्लम हो गई बता दो. क्या इश्यू था, समझ नहीं आ रहा तो बता दो. होमवर्क ना करने का क्या रीजन है. व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट डूइंग द होमवर्क. यस, आज का दिन लास्ट डे आपको दे रहा हूं. अगर आज की क्लास के बाद मुझे होमवर्क सबमिशन नहीं हुआ किसी का भी, सो मैं आपके क्रेडिट्स में अफेक्ट करूंगा. फिर अभी तक मैं आपको बहुत लाइटली समझा रहा था, बहुत प्यार से समझा रहा था. आज की क्लास के बाद अगर मुझे किसी का भी होमवर्क नहीं मिला, सो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो अगर आपको अच्छे क्रेडिट्स चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, इफ यू वॉन्ट टू पास विद अ गुड स्कोर, देन होमवर्क इज मस्ट. ठीक है, सो होमवर्क इज मस्ट. अगर मेरे को होमवर्क सबमिट नहीं हुआ आज की डेट में, प्रीवियस जो भी होमवर्क आपका लेफ्टेड है, आज इवनिंग तक, आज नाइट तक का आपके पास टाइम है. अगर सबमिट हो जाएगा देन आई विल, मैं आपके मार्क्स उधर ही तुरंत लगा दूंगा. ठीक है, आपके क्रेडिट्स उधर ही ऐड हो जाएंगे. मेरे पास डेट वाइज हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, किस बच्चे ने सबमिट किया है, किस बच्चे ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है. तो आप ये मत देखना कि सर बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. मेरे पास एक एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है, डेट वाइज मेरे पास व्हाट्सएप में हर बच्चे का डेटा रिकॉर्डेड है, किस बच्चे ने कब किस टाइम पे होमवर्क मुझे सबमिट किया है. ठीक है, हाँ, तो होमवर्क सबको करना है. मैं आज का दिन और दे रहा हूँ, आज मैं डाउट डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कल मैं बिल्कुल भी अपसेट था क्योंकि किसी ने भी होमवर्क ही नहीं सबमिट किया. ठीक है, होमवर्क के मामले में आप बहुत लाइट होते जा रहे हो और प्रीवियस होमवर्क बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर रहे हो. सो होमवर्क के लिए आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा. आप थोड़े सीरियस हो जाओ, 3 to 4 months आपके पास लेफ्टेड है, और यहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म तभी करोगे जब आप होमवर्क डेली का डेली करोगे.
अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे बताओ, उसके बाद भी आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स एंड देन यू आर नॉट डूइंग द होमवर्क, दिस इज वेरी बैड थिंग। ठीक है, सो आज वाली बात को ध्यान रखो, और आज की डेट में मेरे पास जितना भी पेंडिंग होमवर्क है सब सबमिट हो जाना चाहिए, ज्यादा मैं आपको एक्सटेंशन नहीं दूंगा। यस, नील पटेल एंड जय पटेल हैज ऑल्सो ज्वाइन। स्नेहा फ्रॉम SVB, जैनिल देवलिया, नैली पटेल, नैली पटेल, जैनिल देवलिया, श्रेया SPV, चलो होमवर्क के रिगार्डिंग सब लोग स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब मैं बिल्कुल भी आपको लूज नहीं होने दूंगा होमवर्क के लिए, बिल्कुल भी मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेस रिगार्डिंग द होमवर्क। चलो, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द पोजिशन वेक्टर इन टू डायमेंशन। सो हम ऐसे लिखते थे पोजिशन वेक्टर, कल की क्लास में हमने पोजीशन वेक्टर स्टडी किया था, फिर हमने वेलोसिटी वेक्टर देखा था, हाउ टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर इन टू डायमेंशन, एंड वी हैव आल्सो सीन द एक्सेलरेशन वेक्टर इन टू डायमेंशन। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय वन एग्जांपल। लेट्स से इफ योर पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू यू, दैट इज 3t i cap। Let's say your position vector is 3t i cap plus 2t square j cap plus 5k cap. Let's say this is your position vector in 3 dimension. अब यहां पे आपको 3D में वेक्टर दिया हुआ है ना? सो 3D में वेक्टर जब आपको दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 second। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम 1D में जो पढ़ते थे सेम चीज 2D में भी पढ़ेंगे। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज dx/dt हम पढ़ते थे 1D में, 2D में हम क्या लिखते हैं इसको, dr/dt, वेर r इज योर वेक्टर। सो वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कल मैंने आपको बताया था, यू हैव टू इंडिविजुअली डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर dy/dt ऑफ 3t i cap प्लस dy/dt ऑफ 2t स्क्वायर j cap प्लस dy/dt ऑफ 5k cap dy/dt ऑफ 5k cap। ठीक है, सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो व्हाट विल बी योर वेलोसिटी वेक्टर। 3t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 3। अब डिफरेंशिएशन हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत आराम से पढ़ाया था, ताकि आप सबको वो कंसेप्ट सारे क्लियर रहने चाहिए।
हाँ बताओ आप, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2t² का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2t² 4t, वेरी गुड, प्लस 4t j कैप. एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5? 5 का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5? 0, वेरी गुड. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, 0 k कैप. तो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन वेक्टर, सो एक्सेलरेशन इज अगेन डीवी अपॉन डीटी. एक्सेलरेशन इज अगेन डीवी अपॉन डीटी. नाउ अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस वेक्टर. सो डी बाई डीटी ऑफ 3 आई कैप प्लस डी बाई डीटी ऑफ 4 t j कैप प्लस डी बाई डीटी ऑफ 0, 0 का डिफरेंशिएशन फिर से 0. सो 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव इज अगेन 0, 0 आई कैप प्लस 4 t का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 j कैप. ठीक है, so our acceleration vector will be, you can see that acceleration is constant, which is 4 j cap. Now what is the velocity at t equal to 1 second? So 1 second पे हमें अगर velocity निकालनी है, so you have to substitute here 1 second. So you will get the velocity as 3 i cap plus 4 j cap. और 1 second पे अगर acceleration की बात करूं, तो एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट है, चाहे आप 1 second पे बोलो, चाहे 2 second पे बोलो, चाहे 3 second पे बोलो, योर एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, है ना? एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, सो एवरी टाइम यू हैव टू राइट 4 j कैप. ठीक है, लेकिन वेलोसिटी हमने निकाल ली 3 i कैप प्लस 4 j कैप. अगर मैं बोलू स्पीड निकालो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 4² इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, विच इज इक्वल टू 5 m/s. वेलोसिटी वेक्टर कितना निकाला हमने 1 second पे? दिस वैल्यू इज एट 1 second. 1 second पे हमें मिला 3 i कैप प्लस 4 j कैप. 1 second पे मैग्नीट्यूड कितना मिला? 5 m/s. और एक्सेलरेशन कितना मिला? 4 j कैप. अगर 1 second पे एक्सेलरेशन पूछू तो भी कितना होगा? 4 j कैप ही होगा. अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्सेलरेशन का? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी अंडर रूट ऑफ 4² दैट इज 4 ओनली. ठीक है, एक्सेलरेशन इज 4 m/s². ओके, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट. एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि मुझे पता चल जाए आपको सॉल्व करना आ गया है. ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड द आंसर. ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव ट्राई टू फाइंड द आंसर. आई एम गिविंग यू वन अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज गिवन, विच इज 3 m/s into t i cap plus 1 m/s² into t² j cap, and position of b is given, which is 4 m/s into t i cap plus minus 1 m/s² into t² j cap, and you have to find the distance. You have to find the distance at t equal to 5 seconds.
एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स. ठीक है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. यस, कितनों को क्वेश्चन समझ आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्वेश्चन? How many of you got the question? Yes. Bhavsar Vishwa is joined. Bhavsar Vishwa, why are you late, beta? चलो अब देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे. कई बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा क्या करना है. कितनों को हिंट मिला कि हमें क्या करना है? आई वॉज हैविंग अ लंच. बेटा ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा. डोंट मेक दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस. ठीक है, चलो. यस, कितनों बच्चों को पता चला कि इसमें क्या करेंगे? यस, हाउ मेनी ऑफ यू? आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए का, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बी का, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स. You have to find the distance at t equal to 5 seconds. How many of you got this? RB minus RA. चलो ठीक है, RB minus RA से आपको क्या मिलेगा? Displacement vector मिलेगा, है ना? Very good. Sneha is saying RB minus RA. कल मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज योर डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज योर डिस्टेंस. ठीक है, सो आरबी वेक्टर में से आर ए वेक्टर को हमें माइनस करना है और हमें किस पे फाइंड करना है? टी इक्वल टू 5 सेकेंड. तो सबसे पहले आप टी इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो. पुट हियर टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स, पुट हियर टी इक्वल टू 5 सेकेंड, पुट हियर टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ऑल्सो पुट हियर टी इक्वल टू 5 सेकेंड. सो जब आप इधर 5 सेकेंड पुट करोगे, सो आप देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर इन मीटर्स. जब आप 5 सेकेंड इधर पुट करोगे, यू विल गेट 5 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. अगेन सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट आंसर इन मीटर्स. जब आप इधर 5 सेकेंड पुट करोगे, यू कैन सी दैट सेकेंड एंड सेकेंड विल कैंसिल आउट, यू विल अगेन गेट आंसर इन मीटर्स. जब आप इधर 5 सेकेंड पुट करोगे, so again you get 5 square second square. Second square and second square will cancel out. You will get your answer in meters. समझ आया? ये t मैंने आपको confuse करने के लिए दिया था. कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम differentiate करेंगे, integrate करेंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे. ऐसा कुछ नहीं करना इस question में, ऐसा कुछ नहीं करना. हमारी क्या होती है, mind की tendency हो जाती है कि पहले जो हमें क्वेश्चन आया उस हिसाब से ही हमें वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. नहीं, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को समझो. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स. तो सबसे पहले मैंने 5 सेकेंड्स वैल्यू इनपुट करी तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर मिलेंगे, मुझे पोजिशन वैक्टर मिलेंगे. पोजिशन वैक्टर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा. ठीक है, सो जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरा वेक्टर्स क्या होगा, देखो मेरा आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा. इफ आई पुट टी इक्वल टू 5 सेकेंड,
what will be my array vector? 5 threes are 15 and plus 5 fives are 25. 15 I cap plus 25 J cap. So you have to write 15 meters I cap plus 25 meters J cap. This will be your RA vector. What will be your RB vector? If you put here, you will get 5 fours are 20 I cap minus 25 J cap. So RB vector will be 20 meters I cap minus 25 meters J cap. 20 meters I cap minus 25 meters J cap. ठीक है, now you will calculate the displacement vector which is RB minus RA. चलो दोनों vectors को subtract करो. subtract करोगे तो subtraction कैसे करते हैं? I वाले में से I को minus करोगे. so 20 minus 15 you will get 5 I cap, 5 meters I cap, or minus 25 minus 25 you will get minus 50 meters J cap. This will be your displacement vector. ये आपको कौन सा vector मिल गया? This will be your displacement vector. Now to find the distance, you have to calculate the magnitude of this displacement vector. And magnitude of displacement will be under root of 5 square plus 50 square. So, इसको कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सॉल्व करके बताओगे? इसको सॉल्व करोगे, you will get approximately 50.1 meters. It is not a perfect root. You will get 50.1 meters approximately. This will be your distance. Yes, सबको समझ आया? It was a very good example. All of you got this? Yes, very good. Let's try to solve one more. एक और example करवा रहा हूं. We will do one more example. Yes. अब सबको साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है? अभी तक मैं सॉल्व कर रहा था, अब बाकी सब बच्चे सब सॉल्व करेंगे. Let's say position vector is given to you, which is a 2t cube by 3 I cap plus 4 t square j cap. Find the velocity at t equal to 2 seconds and find the acceleration at t equal to 3 seconds. All of you have to try this problem and let me know the answer very fast. Chalo, sab log solve karenge ye wala example. Find the velocity at time t equal to 2 seconds and find the acceleration at time t equal to 3 seconds. All of you will solve this example.
यस, क्या आंसर आया? अच्छा आंसर आ भी गया, वेलोसिटी आ रहा है 4i cap + 16j cap, स्नेहा का तो मैग्नीट्यूड भी आ गया है। अच्छा इसने डायरेक्ट स्पीड ही निकाल दिया। ओके 4i cap + 16j cap सबका आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? v = 24, वेरी गुड। ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन, पल्लवी का भी आ गया, पूजा पटेल का भी आंसर आ गया, नील का भी आ गया, स्नेहा का भी आ गया, बाकी बच्चे भी निकालेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। ऑल ऑफ यू डू, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन। खुशी सिंह हैज ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी, यस 4i cap + 16j cap, वेरी गुड। What is the value of acceleration now? Let me know the value of acceleration. Pooja Patel, 20 m/s². स्नेहा 20 m/s² एक्सेलरेशन एंड स्पीड इज 24 m/s। वेरी गुड, एक्सेलरेशन 12i cap + 8j cap। सबका आंसर सेम आ रहा है ना? कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा आंसर में? मेरा एक्सेलरेशन 16 आ रहा है, पल्लवी का 16 आ रहा है, स्नेहा का 20 आ रहा है। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, आंसर में भी कॉन्ट्राडिक्शन। चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे सो यू विल गेट 60² / 3i cap प्लस 8t j cap। अब t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दोगे इसमें, सो योर वेलोसिटी विल बी 8i cap + 16j cap। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? हाँ एक्सेलरेशन t = 3 सेकेंड पे फाइंड करना है, स्नेहा इज सेइंग, इसलिए 20 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। वापस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2t² को डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट 4t i cap + 8j cap। दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। 3 सेकेंड पुट करोगे इधर तो ये हो जाएगा 12i cap + 8j cap। ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा, अब तो सॉल्व भी कर दिया हमने। चलो अगला चलते हैं। अब 2D की हमने बहुत सारी बातें करी, 2 dimensions की हमने बहुत सारी बातें करी, अब 2D के बारे में कुछ और चीजें समझेंगे। 2D में जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस
one is your x axis and other is your y axis. एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को. हाँ, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट हमने कर दिया ना, तो हमने डिफरेंशिएट करके तो निकाला ये 4t हमारा ऐसे ही थोड़ी आया. इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला 4t और इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गया 8. ठीक है, हाँ, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. क्लियर? चलो, नाउ वी हैव टू इंडिपेंडेंट एक्सेस. वन इज योर एक्स एक्सेस एंड अनदर इज योर वाई एक्सेस. So, अभी तक हम क्या करते थे, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, मैं 1D और 2D का कंपैरिजन करूंगा. 1D में हम क्या करते थे, हमारे पास दो डायरेक्शंस होती थी. वन इज द पॉजिटिव एक्स, अनदर इज द नेगेटिव एक्स. And one point is there, that is origin point. तो हम जब यहाँ पे acceleration जब हमारा constant होता था, तो हम तीन equations of motions को use करते थे. First is that v is equal to u plus at. Second is s equal to ut plus half at square. And third is v square minus u square equal to 2as. ये तीन equations of motion हम use करते थे जब हमारा acceleration constant होता था in 1D motion. ठीक है, ये part सबको पता ही होगा, मैंने आपको revision के तौर पे बता दिया. अब जब हम 2D motion पढ़ेंगे तो हमारे पास दो axes है. One is your x axis and another is your y axis. ठीक है, we have two different axes. One is your x axis and another is your y axis. So we will apply individually. We will apply individually the equation of motion along both these axes. हम individually दोनों axes के along इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे. ठीक है,